यूनिकॉर्न स्टार्टअप दे रहे नौकरियां। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने स्किल इंडिया और स्टार्टअप के जरिए आविष्कार और एंटरप्रेन्योर को महत्वपूर्ण बनाया है। उन्होंने कहा कि भारत में 100 यूनिकॉर्न स्टार्टअप वाला विश्व का तीसरा बड़ा देश है, जहां पिछले 9 वर्षों से ढेरों नौकरियां मिल रही हैं। शाह ने ट्वीट पर कहा, युवा देश का भविष्य है और भारत ने हर क्षेत्र में युवाओं के लिए मील के पत्थर स्थापित करने के लिए विकास किया है। शाह ने आगे कहा कि मोदी सरकार ने शिक्षा पद्धति में बदलाव किया और अनेक अवसर पैदा किए। उन्होंने कहा कि सरकार ने 2017 से 2023 के बीच सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के क्षेत्र में 6.5 करोड़ लोगों को रोजगार दिया। पीएम रोजगार प्रोत्साहन योजना के तहत 1.5 करोड़ लोगों को लाभान्वित किया। 2014 से 2019 के बीच डिजिटल अर्थव्यवस्था में 6.25 करोड़ नौकरियां दी गई। योजना की समीक्षा। गृह मंत्री ने केंद्रीय सहकारी समितियों के पंजीयक के कार्यालय के कंप्यूटरीकरण की प्रगति की समीक्षा की। CRCS दफ्तर बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम 2002 के तहत काम करता है, जिनमें कई नई समितियों के पंजीकरण के साथ कार्य को सुगम बनाने को एक डिजिटल इकोसिस्टम तैयार करने की दिशा में कार्य किया।